और ईद पर ख्वातीन की खरीदारी है कि हत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ख्वातीन अब चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोठी की रिपोर्ट। ईद के दिन करीब आते ही बाजारों में रौनक अपने उरूज पर पहुंच गई है। नित नए डिजाइन के मलबूसात की खरीदारी हो या फिर ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी, आपको दुकानों में खवातीन का रश नजर आएगा। चूड़ियां ईद के कपड़ों के साथ जरूरी होती हैं। ईद की तो शॉपिंग सारी हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे खास तौर पर चूड़ियों के लिए आए हैं। हमारी हैदराबाद की स्पेशलिटी ये है कि जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है हमारी हैदराबाद की। सारी खरीदारी हमारी हो गई है, बस चूड़ियाँ लेने आए थे, मैचिंग की चूड़ियाँ लेंगे जैसे हमने अपने लिए ना कपड़े वैसे। हैदराबाद की दीदा जेब और मुख्तलिफ डिजाइन की चूड़ियाँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। कांच की रंग बिरंगी कच्ची चूड़ियाँ खवातीन की कमजोरी है, इसीलिए लाल हरी पीली नीली कांच की बारीक चूड़ियाँ ही सबसे कीमती होती है। फीकी है ईद चूड़ियों के बगैर, मेहंदी के बगैर। ईद मुकम्मल होती है चूड़ियों से, मेहंदी से। कपड़े तो न्यू पहनते ही हैं, लेकिन चूड़ियां ईद पे तो मेहंदी ये सब जरूरी है। ईद के मौके पर मुख्तलिफ दीदा सेब डिजाइन की कांच की और धाती चूड़ियां दुकानों पर सजी हुई हैं। ईद उल फितर हो या कोई त्यौहार, खवातीन की चूड़ियों के बगैर तैयारी मुकम्मल नहीं होती। अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद।